हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और हम जानते हैं सैलरी की सीरीज में हमारे परक्विजिट्स भी खत्म हो चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। किसी ने कमेंट्स करके आंसर्स दिए नहीं ज़्यादा कुछ, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल फिलहाल आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करेंगे। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर हमें करना क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमें यहाँ पे चार रिटायरमेंट्स सीखने हैं, जिसमें से पहला जो होगा वो है ग्रेचुटी, दूसरा है आपका प्रोविडेंट फंड, तीसरा है आपका पेंशन, और एक लास्ट चौथा होगा लीव सैलरी। ठीक है, तो ये चार के लिए मैं चारों अलग अलग वीडियोस ही बनाऊंगा, ऑब्वियस है। तो आज ग्रेचुटी पर हम काम करने वाले हैं और सीखेंगे कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलता है कंपनी की तरफ से तो उसे उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। हालांकि बेसिकली हम सीख ही क्या रहे हैं, हम हर चीज़ की, मतलब मालिक से मिलने वाली हर एक चीज़ की टैक्स ट्रीटमेंट ही तो सीख रहे हैं। कोई चीज़ फुली टैक्सेबल होती है तो कोई चीज़ फुली एग्जेम्प्ट होती है, किसी चीज़ में थोड़ी सी माफ़ी होती है, किसी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। कहाँ पे? सैलरी हेड के अंदर। जब मैं सैलरी हेड बोल रहा हूँ तो सैलरी हेड आपको याद आ जाना चाहिए। सैलरी हेड मतलब बताया था आपको क्या क्या चीज़ें होती है सैलरी हेड में। बेसिक सैलरी, काफ़ी सारे अलाउंसेस, मतलब चार टाइप्स के अलाउंसेस हमने सीखे थे। उसके अलावा हमने एचआरए की ट्रीटमेंट करना सीख लिया और एंटरटेनमेंट अलाउंस की ट्रीटमेंट करना सीख लिया। हमने लगभग लगभग सभी परक्विजिट्स ख़त्म कर लिए हैं आज की डेट पे। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारे बोनस कमीशन है, इनकी ट्रीटमेंट करनी हमें अच्छे से आती है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मैंने गलत लिख दिया, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। एंड अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन सभी को मिलाकर ग्रॉस सैलरी और तीन डिडक्शन आपको घटाना मैंने सिखाया था। 16(1)A जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000 की, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है। तो ये फॉर्मेट आपको कभी नहीं भूलना, तभी जाके आप जो है सैलरी इनकम निकाल पाओगे। ठीक, अब हम काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको चार दिखा दिए मैंने, बता दिए, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लीव सैलरी, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ऑनर्स क्या, अगर अगर आप कोर्स कर रहे हैं फिर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, एक आधा और उसमें शायद ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, आई थिंक ये दो और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं अलग से देख लूँगा, इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट हैं जो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें ये चार कर लेने होंगे, चार में से आज हम ग्रेचुटी को कर लेते हैं, फिर उनको भी देख लेंगे किसी दिन। तो देखते हैं, सबसे पहले ग्रेचुटी को डायरेक्टली तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई ग्रेचुटी होता क्या है। हालांकि आपने लास्ट ईयर में या फिर उससे पहले ईयर में जब जब भी आपके सिलेबस में ज़रूर एक ग्रेचुटी एक्ट के बारे में आया होगा, शायद आप भूल गए होंगे या पता नहीं, लेकिन आपने ग्रेचुटी का कानून जरूर पढ़ा हुआ है। ग्रेचुटी एक्ट 1972 था मेरे ख्याल से, हाँ ग्रेचुटी एक्ट 1972। उसके अंदर हमने देखा था कि ग्रेचुटी क्या होता है, ग्रेचुटी किस एम्प्लॉय को मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल या फिर कौन से एम्प्लॉयर जो हैं वो लाइबल होते हैं ग्रेचुटी पे करने के लिए, ग्रेचुटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आपको ग्रेचुटी को बहुत डिटेल में जानना है तो आप उसके लिए ग्रेचुटी का कानून पढ़ सकते हो। और अभी हाल फिलहाल में ना मैं जो एक फर्स्ट ईयर में एक बिजनेस लॉ आता है उनके लिए भी, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें ग्रेचुटी का एक्ट, आपका ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे एक्ट उसमें जो आते हैं वो सभी, उन्हीं सब पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बाद में मैं उन्हें भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, अपने ही चैनल पर। क्या नाम है हमारे इस चैनल का, आपको याद हो गया क्या? हमारे इस चैनल का नाम है लर्निंग बैच। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, वीडियो लाइक भी कर ही रहे होंगे आप, तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए, सब्सक्राइब वगैरह करके पहले से रख लो, ताकि इन फ्यूचर आपको इन सब के बारे में अगर कहीं पे और वीडियोस आ रही हैं जो आपके काम आ सकती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। बेल बटन दबाना पड़ता है उसके लिए। चलते हैं जल्दी से चुपचाप से ग्रेचुटी के ऊपर। तो जैसे कि मैंने उस कानून का भी नाम लिया था आपका, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एक्चुअली में उसका नाम था द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एक्ट 1972 था।
ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे 72 मुझे जितना याद है 72 था। ठीक है, एक तरफ हम बना देते हैं यहाँ पे हमारा मालिक, ये हमारा बॉस जो हमारा एम्प्लॉयर है, ये थोड़ा गुस्सा सा होता है, खड़ूस सा बना देते हैं इसे, और ये है हमारा बेचारा सा नादान सा एम्प्लॉय जो डरा घबराया रहता है हमेशा। तो ये जो कानून सरकार ने बनाया हुआ है, ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी का कानून है, यहाँ से ना आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से आवाज़ें क्या आ रही हैं, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और ये बोल रहा है ये कानून चिल्ला चिल्ला के, ओ सुन एम्प्लॉयर, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और ये कह रहा है कि ओ एम्प्लॉयर जरा ध्यान से सुन, सभी एम्प्लॉयर को बोल रहा है। ठीक है, सभी को तो नहीं, मतलब जो जो लाइबल होते हैं, अब कौन कौन लाइबल होते हैं उसके लिए तो फिर पूरा कानून पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रेचुटी एक्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और ये हर एम्प्लॉयर को बोलता है, ओ सुन अपने अपने एम्प्लॉय को सब एम्प्लॉयर देंगे एक अमाउंट रिवॉर्ड, क्या देंगे रिवॉर्ड, एक अमाउंट देंगे, क्यों देंगे, उसको थैंक यू कहने के लिए, थैंक यू आपने अपना कीमती समय हमारे कंपनी को दिया। ठीक, कब देंगे, जब वो कंपनी से टर्मिनेट होगा, जब वो कंपनी से टर्मिनेशन होगा या टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट हो सकता है वो ड्यू टू रिटायर हो रहा है, ड्यू टू रिजाइन दे रहा है, या फिर ड्यू टू उसकी डेथ हो रही है, या फिर वो डिसेबल हो गया, अब कंपनी में आने लायक नहीं है, मतलब काम नहीं कर सकता। मैंने बोला रिटायर, रिटायर हो गया, रिटायरमेंट की वजह से टर्मिनेट हो रहा है वो कंपनी से, या रेजिग्नेशन दे रहा है, रिजाइन दे रहा है, या डेथ हो गई तो फिर उसकी फैमिली को जाएगा ग्रेचुटी, वो अलग चीज़ है, या फिर डिसेबल हो गया, तो इन सभी केसेस में इन सभी केसेस की वजह से अगर वो टर्मिनेट हो रहा है कंपनी से, तो हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा रिवॉर्ड, थैंक क्यों कहने के लिए कि आपने अपना जो समय कहीं और ना देकर हमारी कंपनी में दिया, उसका जो आपका हिसाब बनता है वो ये रहा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वो कम से कम एटलीस्ट आपकी कंपनी में एटलीस्ट 5 ईयर काम कर चुका हो कॉन्टिन्यूअसली, 5 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस दे चुका हो। ठीक है, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन हमने वहां पे एक्सेप्शन भी देखे थे कि डेथ के केस में या डिसेबिलिटी के केस में 5 साल के पहले भी ग्रेचुटी देने के लिए लाइबल हो जाता है मालिक, मतलब मान लो कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और 3 साल के अंदर ही उस कुछ दुर्घटना हो गई, और ऐसे केस में अब वो कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकता, तो भी मालिक को फिर वहां पे ग्रेचुटी देनी पड़ती है, वहां पे 5 साल जरूरी नहीं होता है, वो अलग चीज है, वो कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, वहां मैं आपको नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन मोटा माटी आपको ग्रेचुटी कानून के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ग्रेचुटी कानून एम्प्लॉयर को बोलता है, इसलिए तो ये परेशान है। ये ग्रेचुटी एक्ट किसके फेवर में बना है, ये एम्प्लॉय के फेवर में बना है, और किसके अगेंस्ट है, एक तरीके से देखा जाए तो इसके अगेंस्ट है, यानी इनके खिलाफ है। तो इनको ये कह रहा है कि सुनो भाई, जितने भी तुम्हारे पास एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय को तुम क्या दोगे, पैसा दोगे थैंक यू कहने के लिए, जब वो टर्मिनेट होंगे कम से कम 5 साल काम करने के बाद, काम कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सर्विस दी हो अगर उन्होंने 5 साल, अभी कॉन्टिन्यूस सर्विस की भी मीनिंग होती है कि वो मतलब 365 दिन पूरे साल काम करे, मतलब साल में पूरे 365 दिन काम होगा तो ही एक कॉन्टिन्यूअस ईयर माना जाएगा, या फिर कैसे, इसके अंदर डेज हैं कुछ, वो आपको वहां पे ग्रेचुटी एक्ट में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो मोटा मोटी 5 साल काम कम से कम कोई कर चुका हो और उसके बाद वो टर्मिनेट हो रहा हो, वो मतलब एम्प्लॉय, तो वो अपने एम्प्लॉयर से क्या मांग सकता है, ग्रेचुटी मांग सकता है। और हमें पता है मालिक से अगर ग्रेचुटी मिलेगी, मान लो अब कोई अमाउंट निकल कर आई, मान लो 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, इस साल वो रिटायर हुआ और उसे ग्रेचुटी मिली 7 लाख रुपए, तो क्या ये पूरे पे टैक्स भरेगा, कहता है नहीं सर, इनकम टैक्स की सरकार क्या बोल रही है, अगर मालिक से आपको ग्रेचुटी मिला है तो पहले उसको यहां दिखाओ, यहां पे आपको मिलेगी माफी, और माफी कितनी मिलेगी इसी को सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, यहां आएगा वर्किंग नोट और उसके यहां पे हम लेंगे माफी, और बैलेंस जो बचेगा वो जाएगा टैक्सेबल। ठीक, तो मुझे आपको क्या सिखाना है कि कितनी माफी मिलेगी ये मुझे सिखाना है, बात आई मेरी समझ में। तो चलते हैं फिर आगे, अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ते हैं, अपने इनकम टैक्स के अंदर क्या रूल लिखा है ग्रेचुटी की एग्जम्पशन के लिए उसको पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ग्रेचुटी की जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्या होती है, मैं आपको टैक्स ट्रीटमेंट ही बता रहा हूं, इतने वीडियोस जो अब तक बनाई हैं उनको टैक्स ट्रीटमेंट ही बोलते हैं।
जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप अकाउंट स्टेटमेंट सीखते हैं कि भाई क्या चीज डेबिट होगी, कौन से ट्रांजेक्शन में क्या चीज क्रेडिट होगी, किस अकाउंट में को बनाना है, किस अकाउंट में शो करना है चीजें, वो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हो। यहाँ पर आप इनकम टैक्स पढ़ते वक्त क्या चीजें सीख रहे हो, टैक्स ट्रीटमेंट। तो आपको अभी हम क्योंकि सैलरी हेड पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी के रिगार्डिंग जो भी मालिक से मिल रहा है, जो भी कुछ मालिक से मिल रहा है, वेदर इट इज इन मॉनिटरी फॉर्म और नॉन मॉनिटरी फॉर्म, देन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू रेडी योर सेल्फ टू कैलकुलेट, टू इवेल्युएट द वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनिफिट जो कि आपको मालिक से मिला है। सही है, तो देखते हैं अगर ग्रेचुटी मालिक से मिलता है तो हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने सैलरी हेड के अंदर। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कुछ चीजें, कुछ कंडीशन, क्या चेक करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। तो ग्रेचुटी जो है वो हालांकि रिटायरमेंट पर मिलेगी आपको, मतलब एम्प्लॉय को या तो वो पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा या एम्प्लॉयर चाहे तो उसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी निकाल सकता है। ठीक है, अब हमारे घरों में कई लोगों को ग्रेचुटी के बारे में पता भी नहीं होता है। मान लो हमारे फादर ही काम कर रहे हैं और उनको ग्रेचुटी के बारे में नहीं पता कि ग्रेचुटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जब वो रिटायर होते हैं तो कई बार होता भी ऐसा कि भाई मालिक जो है चीज़ें छुपाता है अपने एम्प्लॉय से, उस कई सारे मतलब एम्प्लॉयज होते हैं उनको बस इतना मोटा माटी पता होता है कि हाँ भाई PF का पैसा है वो मिलेगा हमें, और थोड़ा सा जो भी हिसाब किताब ऐसे करके, उसे कैलकुलेशन भी नहीं पता होती है ग्रेचुटी बन कितनी रही है, तो थोड़े मोड़े में ही जो है मालिक निपटा भी देता है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये भी जानना सीखेंगे कि ग्रेचुटी की वैल्यूएशन होती कैसे। हालांकि ग्रेचुटी एक्ट की, ग्रेचुटी जो एक्ट है उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें किसी पर्सन की ग्रेचुटी निकालनी हो तो कैसे निकालना है, वो भी हम सीख जाएंगे इसके अंदर। तो इमरजेंसी केस में आप अगर एक एम्प्लॉय, अपने आप को एम्प्लॉय रखेंगे, आप इस पैसे को या तो रिटायरमेंट पे लोगे, या तो आप इस पैसे को रिटायरमेंट पे लोगे, लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप पैसा इसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करते दौरान ही लेना चाहते हो तो आप तब भी इस पैसे को निकाल सकते हो, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी इस पैसे को आप निकाल सकते हो। ये मैंने एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इमरजेंसी का मतलब जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, या फिर आपको घर लेना है, ऐसी कुछ इमरजेंसी केसेस में आप अपने ग्रेचुटी का जो आपका फंड बनता है उस पैसे को आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट रहते हुए भी, काम करते हुए भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको रिटायर ही लेना पड़े या रेजिग्नेशन देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हो चाहो तो। लेकिन अगर आपने इस पैसे को ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट निकाला तो ये जो है पैसा जो भी मिला है आपको वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ रही है, अगर इस पैसे को आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट निकालते हो तो आपको पूरे पैसे पर टैक्स भरना पड़ेगा, माफी नहीं हो फिर उसके अंदर। माफी कब है, जब आपको ये पैसा कैसे केस में मिलेगा, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन ऐसे केस में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो वहां पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे एम्प्लॉय हो, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजनिंग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग चीजें हैं और नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग चीजें हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कैसा वाला है। ठीक है, अगर हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इन लोगों की तो भैया बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले मतलब क्या है कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय को जो भी ग्रेचुटी मिल रहा है वो पूरा माफ है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। वाह यार क्या मजे हैं, मतलब इनको जब रिटायरमेंट होगी और इनका जब हिसाब किताब गवर्नमेंट कंपनी करेगी और इनको जो पैसा मिलेगा ग्रेचुटी का, उस पैसे पे सरकार को कोई टैक्स नहीं भरना, वो सीधा घर में आएगा। ठीक है, वो सीधा पैसा जो है घर में ही आएगा, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वाले को तो बेचारे को टैक्स भरना पड़ता है, इसके लिए ऐसे प्रोविजंस नहीं रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और बोल दिया मैंने फुल्ली टैक्सेबल, तो चाहे वो गवर्नमेंट वाला हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट वाला हो, दोनों के लिए ही फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, रिटायरमेंट पे जब पैसा गवर्नमेंट वाले को मिलेगा तो वो पूरा माफ है, और नॉन गवर्नमेंट वाले को जब मिलेगा तो वहां पे हमें फिर दो सवाल और पूछने होंगे, और वो दो सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता करना पड़ेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय, जो नॉन गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, क्या उस कंपनी में ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है। इफ ग्रेचुटी एक्ट इज एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब हो गया कि कई कंपनियों में ग्रेचुटी का कानून जो है लगता है, कई सारी कंपनियों में नहीं लगता है, उसकी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, मान लीजिए एलिजिबिलिटीज है कि भाई अगर आपकी कंपनी में शायद 20 या उससे
ज्यादा लोग हैं तो आपको अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर जो है ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। मान लो ऐसा कुछ है, 20 है 10 है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 10 है मेरे ख्याल से। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, फिर ग्रेच्युटी एक्ट गूगल कर लेना आप, ग्रेच्युटी एक्ट में ग्रेच्युटी एक्ट जो है कब एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो अगर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है तो भैया मालिक को देनी ही देनी पड़ेगी ग्रेच्युटी। लेकिन कई बार होता है कि कंपनी में ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता नहीं है, लेकिन फिर भी मालिक जो है ग्रेच्युटी दे रहा होता है। अच्छा मालिक है, उसकी मर्जी है, वो दे रहा है, वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोच रहा है वो। ठीक है, मतलब कंपनी में ग्रेच्युटी एक्ट लग नहीं रहा, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है वहां का मालिक जो है वो फंड मेंटेन करता है ग्रेच्युटी के लिए और अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर जो है फंड देता है। तो अगर आपको एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसी कंपनी से ग्रेच्युटी मिला है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेच्युटी मिला है जहां पे एक्ट एप्लीकेबल था ग्रेच्युटी का, तो वहां पे आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? तो कहता है लोअर विल बी एग्जेम्पशन, लोअर विल बी एग्जेम्पशन, मतलब 1, 2, 3, यहां पे तीन लिमिट्स आपको दी जा रही हैं, और इन तीन लिमिट में से जो भी लिमिट छोटी होगी वो आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है और फिर आपको मिल रहा है वो ग्रेच्युटी, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ मिलेगी। यहां पर भी तीन लिमिट है, लिमिट नंबर 1, लिमिट नंबर 2 एंड लिमिट नंबर 3। इन तीनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन। बात आ रही समझ में? तो पहले एक बार कितनी लिमिट है वो तो हम बाद में देख लेंगे, एक बार इसका ना ओवरव्यू देखते हैं। ग्रेच्युटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। इफ इट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इन हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी हैव टू चेक द ग्रेच्युटी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। इफ ग्रेच्युटी एक्ट इज एप्लीकेबल देन द लोअर विल बी एग्जेम्प्शन फ्रॉम दीज थ्री लिमिट्स एंड ऑन द अदर साइड इफ द ग्रेच्युटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल द अदर थ्री लिमिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री। ठीक है, तो ये तीन लिमिट इसके लिए हैं जब एक्ट एप्लीकेबल, मैंने क्या लिख दिया, एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, सॉरी माई मिस्टेक, वेरी सॉरी फॉर दिस, नॉट एप्लीकेबल। तो एक्ट एप्लीकेबल है तो क्या होगा, एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा? ये चार्ट ना यार आपको रीड करना आना चाहिए। देखो फटाफट कैसे रीड करेंगे, ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रेचुटी अगर रिटायरमेंट पे मिलेगी तो चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट है, उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो चेक करना है ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है या ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो माफी तो मिलेगी, लेकिन इन तीन लिमिट बेसिस पे मिलेगी, इन तीन में से जो भी लिमिट आएगी छोटी उतनी माफी मिल जाएगी। और अगर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उसके लिए अगेन तीन लिमिट्स हैं और उसमें से जो वैल्यू छोटी आएगी वो आपके लिए एग्जम्पशन हो जाएगी। ठीक, ऐसे आपको ये काम करना है। सेक्शन अंडर सेक्शन 10(10) ये सारी बातें बता रहा है हमें। जितने भी इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 से शुरू होने वाले जो सेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें माफ़ी के बारे में ही बताते हैं कि कहाँ पे कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। जैसे यहाँ पूरी एग्जम्पशन है, यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है, यहाँ तीन लिमिट बेसिस पे है, यहाँ लिमिट बेसिस पे है। डन, अब चलते हैं इनके लिमिट्स पर, कितनी लिमिट्स होंगी। तो पहले हम इधर बात कर लेते हैं कि अगर एक्ट एप्लीकेबल है तो कितनी माफ़ी है। तो पहली लिमिट तो आपको ज़्यादातर पता ही होगी, जैसे हम लेते हैं कई जगह पर, हमने एचआरए में भी देखा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी देखा था, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, यानी जो आपको ग्रेचुटी एक्चुअली में रिसीव्ड हुई है वो वाली वैल्यू आपको यहां लिखनी है। और यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम एक लिमिट रखी हुई है। और यहां पे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली में है क्या, अभी आप सिर्फ इसे लिख लो, 15/26 इंटू लास्ट लास्ट ड्रॉन DRAWN। ठीक है, जगह यार मेरे पास कम है, मैं थोड़ा कंजेस्टेड लिख रहा हूँ, लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी क्या चीज़ है मैं बताऊंगा आपको, और कॉन्टिन्यूस 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 क्या है, कॉन्टिन्यूस सर्विस, तो कॉन्टिन्यूस ईयर लिख देते हैं हम, एक काम करते हैं कॉन्टिन्यूस ईयर्स, ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब कितने साल उसने काम किया है, कॉन्टिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है ऐसा सही रहेगा, कॉन्टिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस, कॉन्टिन्यूस ईयर ईयर्स ऑफ सर्विस।
और यहां पर आपको मैं ब्रैकेट में लिखना चाह रहा हूं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्लीज यार हौच पौच मत होना, आप हायर स्टडी भी तो कर रहे हो। फ्रैक्शन कंसीडर, कंसीडर मतलब फ्रैक्शन को कंसीडर करना है। अभी क्या चीज है ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत करना। ठीक, जूम कर दें क्या? अब कैसा लग रहा है? ठीक है, इफ ग्रेच्युटी एक्ट इज एप्लीकेबल देन लोअर विल बी एग्जेम्पशन। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 लाख 15 पाउंड में 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कॉन्टिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन कंसिडर करना है। ठीक, दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या है, आप लिख लो पहले लिमिट्स है ना। दूसरा है अगेन दोबारा वही सेम, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा, आप मैं बोल भी रहा हूँ लिखते चले आना सुन के। यहाँ पे 10 लाख की लिमिट है और 15/30 इंटू लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सुना मैंने क्या बोला? लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इंटू, मेरे पास जगह कम है यार प्लीज, ये M4 मंथ लिखा है यहां पे, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इंटू कॉन्टिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस, कॉन्टिन्यूअस सर्विस ईयर, ये लो कॉन्टिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस। और यहां पर फ्रैक्शन करना है आपको इग्नोर, वहां पे कंसिडर करना था और यहां पे करना है इग्नोर। अभी क्या चीज है फ्रैक्शन अभी बताऊंगा, फ्रैक्शन करना है आपको इग्नोर। तो ऐसे आपको ये 3 लिमिट्स यहां पर लिख देनी है पहले। ठीक, अब इसको एक्चुअल फॉर्म में ले आता हूं जैसे था। चलिए, तो इस तरीके से हमने पहले तो ग्रेचुटी का प्रोविजन लिख लिया अच्छे तरीके से, ग्रेचुटी अगर कब मिलता है कैसे क्या करना है ये। तो ये 2 ही पोर्शन है थोड़े से समझने वाले, और इसमें से भी ये लास्ट लास्ट लिमिट जो है ये तो इजी थी, पहली 2 लिमिट्स इन्हें ही समझना है। तो पहले मैं इधर समझा देता हूँ आपको ये क्या चीज है। यहाँ पर जितना भी ग्रेचुटी मिला वो 20 लाख एक फिक्स अमाउंट है यहाँ पे सरकार की तरफ से। अब ये जो फॉर्मूला टाइप का लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली वही फॉर्मूला है जो ग्रेचुटी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सरकार ने ये डिजाइन यहाँ पे इनकम टैक्स वाली जो सरकार है उसने कैसे डिजाइन किया है कि इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी, सबसे कम आएगी, उतनी माफी मिलेगी। एक्चुअली में जो मिला है वो ले लिया। 20 लाख जो है मैक्सिमम ग्रेचुटी होती है, मतलब किसी कंपनी में आपको 20 लाख से ज्यादा की ग्रेचुटी नहीं मिल सकती। ठीक है, अपने जीवन भर में आपने जहां भी काम किया है, जहां भी मान लो आपने एक कंपनी छोड़ी दूसरी कंपनी में काम किया है, तो पूरा टोटल आपके लाइफ में आपको 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुटी नहीं मिल सकता अगर आप उन कंपनियों में और उन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक, पिछले कुछ अभी अभी हाल ही में इंक्रीज हुआ है, पहले यहां भी 10 लाख ही हुआ करता था। और ये फॉर्मूला है जो एक्चुअली में उसकी ग्रेचुटी बन रही है। तो जो एक्चुअल में ग्रेचुटी उसकी बन रही है, जो उसको रिसीव्ड हुई, क्या पता उसकी एक ग्रेचुटी बन रही है 7 लाख उसको मिल गए, 8 लाख 9 लाख मालिक अच्छा दे दिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो कहता है इन 3 लिमिट्स को आपको देखनी है। लास्ट वाली मैं आपको समझा देता हूँ, ये 15/26 क्या है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पकड़ो आप इसे, ये क्या चीज है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या है, इसके लिए ना एक रफ लेना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा, और कुछ नहीं है। जी लो, मैंने रफ ले लिया एक साइड में। कहता है कि मान लो ये एक प्रीवियस ईयर है जिसमें आपने नौकरी करी और यहां आके आपने नौकरी छोड़ी, रिटायर हुए, अब पूरे साल काम नहीं किया, अब आप रिटायर हुए हो, तो आपने इतने महीने काम किया होगा इस वाले साल के अंदर, मतलब इससे पिछले साल भी किया होगा लेकिन इस वाले साल में जो आपका प्रीवियस ईयर था इसमें कितना काम किया, इतने महीने काम किया, ये आपका असेसमेंट ईयर है जिसमें आप अपना ये सैलरी हेड ओपन करके बैठे हो और आपको मिला है इस साल जो ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पर, उसकी वैल्यूएशन करना आप यहाँ पे सीख सोच रहे हो कितनी वैल्यू आएगी। सही है, तो यहाँ पर लास्ट ड्रॉन सैलरी जो मांगा हुआ, ये लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब आप जब रिटायर हुए तो आपको लास्ट वाले महीने में सैलरी कितना मिला। सवाल उठता है सर सैलरी का मीनिंग क्या है, हर जगह सैलरी का अलग अलग मीनिंग था, तो यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो इस केस में जो सैलरी लेनी है हमें लास्ट महीने की, जो लास्ट महीने की सैलरी लेनी है, ये कितनी लेनी है,
तो बोलता है सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बस दो चीजें। और जगह तो काफी चीजें देखी होंगी आपने, रिटायरमेंट पार्ट लेना होता था डीए का, लेकिन यहाँ डीए पूरा लेना है आपको, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, अब आपने उठा लिया लास्ट महीने का सैलरी, चलो ये तो समझ में आ गया, लास्ट महीने का सैलरी हमें पता लग गया इन ये दो कंपोनेंट्स को जोड़कर, इसको हम बोलेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, महीने में मोटा माटी 30 दिन होते हैं, चार अगर संडे हटा दें तो 26 दिन होते हैं। मतलब ये जो आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी ली, ये 26 दिन की है, मान लो ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी आई है 26 दिन की है, तो आप इसे 26 से डिवाइड करो तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, 15 से इंटू करो तो 15 दिन की आ जाएगी। मतलब ये आपने क्यों करा, आपने जो लास्ट ड्रॉन जो सैलरी उठाई है उसको आपने हाफ कर दिया, ये हाफ ही तो कराई है, 15.26 मतलब आधे महीने की सैलरी। तो आपको क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना है लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, एंड देन उसको करना है हाफ। हाफ कैसे करना है, 15/30 नहीं, 15/26। अब आपके पास लास्ट ड्रॉन सैलरी हाफ पोर्शन में आ जाएगी। अब जितने भी साल आपने काम किया है कंपनी के अंदर उतने उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपने काम किया कंपनी में 22 साल 8 महीने, तो आप ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है टुकड़ा जो है इसको राउंड ऑफ करोगे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 का आधा होता है 6, तो अगर 6 महीने या उससे ऊपर अगर आप काम करते हो तो उसको पूरा 1 साल कॉन्टिन्यूअस मान लिया जाएगा। तो आपने कितने साल काम किया, 23 साल काम किया। अगर आपने 22 साल 4 महीने काम किया होता, मतलब आपकी यहां तक गिनने पर जब आप रिटायर हो रहे हो, जब भी आपने कंपनी ज्वाइन करी होगी वहां यहां तक जब हम गिन रहे हैं तो 22 साल 4 महीने हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर वहां पर आप कितना लोगे, फिर 22 ही लोगे, ये फिर राउंड ऑफ नहीं हो पा रहा ना। ये राउंड ऑफ कब होता है, जब हाफ या उससे ऊपर होता है, और 12 महीने का आधा हाफ होता है 6 मंथ, 6 मंथ या उससे ऊपर हो तो आप आगे राउंड ऑफ कर दोगे। आपने काम किया 9 साल, 9 साल 11 महीने, तो इसे आप 9 साल नहीं लिखोगे, आप इसे 10 साल लिखोगे। बात समझ में आ रही है, इसको आप क्या लोगे, 10 साल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि फ्रैक्शन आपको कंसिडर करना है, कंसिडर मतलब आपको उसे राउंड ऑफ करना है, यूज करना है। आई होप समझ में आया होगा ये लास्ट वाला। तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे तो ये वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी निकाल लो, लास्ट वाले महीने में आपने कितना सैलरी लिया है, और सैलरी का मतलब यहाँ पे ये दो चीज, उसका हाफ कर दो 15/26 के हिसाब से, एंड देन मल्टीप्लाई जितने साल आपने काम किया फ्रैक्शन यूज करते वक्त करते हुए। चलेंगे अगली तरफ, इसमें कैसे वैल्यूएशन करनी है वो देख लेंगे। अगेन इसमें भी पहली लिमिट तो सेम ही है, एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको ग्रेचुटी एक्चुअल में मिला है। अब क्योंकि एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे जो लिमिट पुरानी वाली 10 लाख की 10 लाख की रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टारगेट किसको करना है, देखो इसको बस पढ़ने का ही, मैं फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं यार आपको, बस फॉर्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैसा था, लास्ट ड्रोन सैलरी लिया उसका आधा करा, एंड देन कॉन्टिन्यूस ईयर से सर्विस से इंटू कर दिया। सेम यहाँ पे आप लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं ले रहे हो, आप लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी ले रहे हो। मतलब मान लो आप यहाँ रिटायर हुए हो, यहाँ कहीं रिटायर हुए हो ये बीच में अक्टूबर अगस्त के टाइम पर, तो लास्ट 10 मंथ्स आपके 1 2 3 4 5, जब पीछे साल भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मंथ्स का आपको एवरेज लेना है सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको इन एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी कंपोनेंट है सबका टोटल कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स थे। तो हमें भी 10 महीने की सैलरी ऐड कर देनी है, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10 महीने की है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है पहले ये देख लेते हैं कि इस केस में जो सैलरी उठानी है उसका मीनिंग क्या है। वही सैलरी है जो ज्यादातर यूज होती है हमारी, बेसिक सैलरी प्लस डीए का रिटायरमेंट पार्ट प्लस कमीशन कैसा वाला, परसेंटेज वाला। तो यहाँ पे तीन चीजें उठानी है आपको, ये तीन चीजें यहाँ पे आपको ले लेनी है, ये लो जी। तो इन तीन चीजों का मतलब है बेसिक सैलरी, मतलब आपको बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पार्ट प्लस कमीशन परसेंटेज पूरे 10 महीने का लेना है। इसका तीनों का टोटल कर लिया, तीनों का टोटल कर लिया, इसका भी तीनों का टोटल, इसका भी तीनों का टोटल, और सबको प्लस कर देंगे। मतलब आपको ये 10 महीने का जो आ रहा है भाई इन सबको प्लस करोगे ना, एवरेज निकाल रहे हो आप, और डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 10 होंगे तो 10 से डिवाइड करोगे। मान लो आपके घर में आप चार तीन भाई बहन हो, और तीनों भाई बहनों को पॉकेट मनी मिलती है 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज, तो मुझे बताओ ऑन एन एवरेज तीनों को क्या एवरेज वैल्यू आ रही है, क्या करोगे आप, ऐसे करोगे
240 डिवाइड बाय 3, ये कट के दोबारा 80 आ गया। इससे पता क्या पता चला है? एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि एक वेरिएबल पर सेम वैल्यू अगर हम बांटे तो कितना पड़ेगा, है ना। पहले ये 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ तीनों से ले लो, इकट्ठा हो गया 240। फिर इनको इक्वली बांट दो तो कितना बैठेगा, एवरेज बैठ रहा है 80 रुपीज़। तो 80 तो उनका पहले भी था, मतलब अगर वेरिएबल सेम रहे, अगर वेरिएबल सेम रहे तो एवरेज भी सेम ही आएगी। मान लो पांच भाई बहन है और पांचों भाई बहनों को 5-5 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी एवरेज आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि वेरिएबल सेम है। समझ रहे हो, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। तो अगर मैं बोलूं कि भाई अगर सैलरी जो है वो जो तीनों कंपोनेंट है, बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट प्लस कमीशन, वो तीनों सेम ही थे, मतलब आपकी बेसिक सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कई बार होता है ना, हमारी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, हमने पहली क्लास में देखा था। मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं है कि क्वेश्चन आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है, कुछ कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। कई बार डीए का रेट भी चेंज हो, सरकार चेंज कर देती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपकी सैलरी पिछले 10 महीने तक जो थी वो पूरी सेम थी, पिछले 10, 12, 15, 20 महीने से सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं आया सैलरी में। तो यार एवरेज निकालने का आसान फंडा नहीं हो जाएगा कि यार जो 1 महीने की सैलरी है वही एवरेज 10 मंथ्स का एवरेज हो जाएगा? तो हम क्यों ना एक को किसी भी 1 महीने की सैलरी पता कर ले, अपने लास्ट ईयर की, लास्ट मंथ की पता कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि वेरिएबल सेम है और उसका एवरेज निकालो, तो वो जो वेरिएबल है वो अपने आप में ही वही खुद एवरेज आ रहा है, समझ रहे हो। तो आपको पिछले 10 महीने का एवरेज टोटल करने की जरूरत नहीं है, टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट नहीं दिया है। मतलब अगर इफ द सैलरी इज सेम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, देन द एवरेज सैलरी विल बी द इक्वल देन द एवरेज सैलरी इक्वल्स टू द, किसके बराबर होगी, आपके 1 महीने की सैलरी के बराबर होगी। रिलैक्स, इसे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे क्योंकि गड़बड़ करते हैं यार, इसलिए मैं इसे थोड़ा फोकसली समझा रहा हूँ। डन, तो मैं यहाँ पे ना ज्यादा भटकूंगा नहीं अगर मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है। हालांकि मैं आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इंक्रीमेंट होगा, आगे चलकर कर लेंगे हम एक क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल अभी हमारे ज्यादातर 99% क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं जिसमें क्वेश्चन में इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो उसमें हम पिछले 10 महीने की सैलरी ना टोटल करते हुए 1 महीने की अगर हम सैलरी कैलकुलेट कर लें, 1 महीने की सैलरी कैलकुलेट कर लें, ठीक। अब सोच के देखो जरा, अब ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मुझे इसका टोटल बताओ। अगर मैं आपको 80 प्लस 80 प्लस 80 कर रहा हूं, तो आप तो एक तो करोगे 80 प्लस 80 प्लस 80, और एक बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है 80 इंटू 3। भाई 80 इंटू 3 का मतलब 240 ही तो आ रहा है, तीन तीन से इंटू कर दूंगा, 3 है। तो अगर मैं 1 मंथ की सैलरी निकाल लूं और 10 से इंटू कर दूं, तो मेरे पास 10 मंथ्स की टोटल आ जाएगी सैलरी, और फिर मुझे 10 से डिवाइड करना ही है क्योंकि एवरेज लूना है। तो एक कट कुट के वो 1 मंथ का जो बचेगा वही तो एवरेज निकल आएगा। तो आप चुपचाप से बस 1 महीने की सैलरी निकाल लो सबसे बढ़िया ऐसे टाइम पर, और अपना एवरेज के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देन जो भी आपके लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी आएगा उसका हाफ करो। अब यहाँ पे हाफ वही नॉर्मल तरीके से करना है, यहाँ पे तो एक्ट एप्लीकेबल था इसलिए हमने 4 संडे भी हटाए वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा बदतमीजी से कर सकते हैं, 15/30। यहाँ थोड़ा तमीज से कराएं, यहाँ बदतमीजी चल जाएगी। 15/30 से इसका हाफ करेंगे, एंड कॉन्टिन्यूस जितने भी साल आपने काम किया है वो, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन करना है इग्नोर। फ्रैक्शन इग्नोर का मतलब 22 साल 8 महीने काम किया तो इसको तो इग्नोर ही करना है, सीधा क्या लेना है 22। 22 साल 4 महीने काम किया, इग्नोर, सीधा क्या लेना है 22। 9 साल 11 महीने काम किया, इग्नोर 9 साल। बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन यूज मतलब राउंड ऑफ इधर करना है, इधर फ्रैक्शन को सीधा इग्नोर मारना है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी नहीं तो, ठीक। इसे आप अच्छे से नोट कर लो बस। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 हम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा भरोसा रखो यार, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से चीज़ों को सुन लो, पक्का समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा करना पड़ेगा, टेक्निकल है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। अब क्या करें जब है सिलेबस का पार्ट, तो इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा विश्वास रखो और समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। डन, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फील करते हैं क्वेश्चन को। कहता है मिस्टर रवि हैं कोई, रिटायर्ड हुए हैं, इसने 15 को हटा के ना मैं इसको कर देता हूँ, 1 तारीख को रिटायर हुए हैं, ऐसे बीच की डेट नहीं देता है, मैंने गलत टाइप कर दिया, 1 तारीख को रिटायर हुए हैं, 1/6/2018, यानी अपने प्रीवियस ईयर में। हमारा जो प्रीवियस ईयर है, मैंने अपने को पहले ही बोल दिया है कि हम जो असेसमेंट ईयर लेकर चल रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 1920 लेकर चल रहे हैं,
ठीक है, हम जो 1920 में कैलकुलेट कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर 1819 की इनकम को, प्रीवियस ईयर 1819 की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भाई साहब जो है प्रीवियस ईयर में ही तो रिटायर हो गए भाई। ये वाली डेट पड़ती कब है, ये 18-19 में तो फॉल होगी, यहाँ करीबन यहाँ ये रिटायर होगा। ये अप्रैल होता है पहले महीना, मई, और ये जून में, जून की पहली पहली तारीख को ये रिटायर होकर चले गए। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद रिटायर हुए, मतलब ये डेट अभी ठीक है, देख लिया हमने, आफ्टर कंप्लीशन 26 साल 8 महीने सर्विस देने के बाद ऑफ अ सर्विस, कब, जब वो रिटायर हुए तो वो 26 साल 8 महीने तक काम कर चुके थे, एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ 12 लाख, और उस दौरान उनको उसी टाइम पर ग्रेचुटी मिला कितना, 12 लाख, एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है 12 लाख। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, जब वो रिटायर हुए तो उस टाइम उनकी सैलरी जो चल रही थी, बेसिक सैलरी चल रही थी 6,000 रुपये प्रति माह, हर महीने डियरनेस अलाउंस उन्हें मिल रहा था 4,000 रुपये हर महीने, जिसमें से 60% पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। कमीशन उनको 1% टर्नओवर का मिला था, टर्नओवर जो लास्ट ईयर 12 मंथ्स में वो 12 लाख रुपए की टर्नओवर थी। अब वो क्वेश्चन में यार यूं मैं सोचना, कंपनी के टर्नओवर 12 लाख है और उसे 12 लाख ग्रेचुटी मिल गई, क्वेश्चन है ठीक है, आप समझ लेते हैं। 12 लाख पूरे 12 महीने का जो टर्नओवर है उसका 1% उन्हें कमीशन मिली। बोनस उसे मिला है 20,000 रुपये एट ए टाइम, किस प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसे बोनस मिला होगा, इस प्रीवियस ईयर में बोनस मिला है। कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेचुटी, देखो ये टैक्सेबल ग्रेचुटी कंप्यूट करने को बोल रहा है, इसको थोड़ा साइड करो, हम कंप्यूट करेंगे अपनी टैक्सेबल सैलरी पूरा फुल। कहता है एज्यूम, मान के चलो कि ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तीन केसेस दिए हैं। तो कुल मिला के मुझे चुपचाप से पहले तीन फॉर्मेट ऐसे करके फॉर्मेट बना लेना है और तीन कॉलम बना लेना है। तीन कॉलम क्या, कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ऐसे करके मैंने तीन केस बना लिए। ठीक है, अभी क्यों तीन केस बने हैं आपको पता है ना कि वो हमारे यहाँ पे कितने केस आ रहे थे जब हमने लास्ट में अभी ये पढ़ा था, आपके हिसाब से कितने केस हो रहे थे? मेरे हिसाब से तो एक तो ये गवर्नमेंट वाला केस था, देखो एक मिनट इसको ऐसे देखो, एक केस तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, एक दो तीन चार, चार केस बन रहे हैं यहाँ पे, हमने चार ही तो देखे। नॉन गवर्नमेंट वाला तो यार ना के बराबर आता है, ये आ जाता है कई बार, अगर ये आएगा तो यहाँ तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना मिला वो पूरा टैक्स हो जाएगा, तो इनमें से कई बार एक टपकेगा ही टपकेगा। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया वो आपके लिए तीन केसेस बनाए, ए बी सी, इसे ग्रेचुटी भी मिला है ना इस क्वेश्चन में, कितना 12 लाख रुपए। तो बाकी पहले ना हम एक काम करते हैं, ग्रेचुटी को छोड़कर सारी जितनी चीजें हैं वो लगा लेते हैं, फिर उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रेचुटी को छोड़कर जो नॉर्मल सी चीजें जो हमें आती हैं उन्हें कर लेते हैं पहले। तो पहले इसको मिला है बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक सैलरी कितना मिला, 6,000 रुपये हर महीने इंटू कितना, 12, गलत, 12 नहीं करेंगे, क्यों नहीं 12 करेंगे, देखो सर, देखो मैम, इसमें इन भाई साहब ने इस प्रीवियस ईयर में रिटायरमेंट ले लिया था 1 जून को, तो उन्होंने कितने महीने काम किया होगा, अप्रैल और मई, समझ रहे हो, 2 ही महीने काम किया होगा, तो इनको जो भी पर मंथ वाली चीजें हैं वो सारी कितने महीने मिली होंगी, सिर्फ 2 महीने, क्योंकि इन्होंने काम ही 2 महीने करा ना, रिटायर हो गए फिर तो ये। तो अब हमारे जो रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं उसमें हमें ये वाली डेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस डेट का, कि भाई साहब रिटायर कब हुए, क्योंकि हमें फिर पर मंथ वाली जो चीजें मिलती हैं वो उतनी तो लेंगे, उतनी तो मिली होंगी जब तक वो रिटायर काम कर रहा था वहां पे, उसके बाद थोड़ी ना मिल रही होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं रिटायरमेंट वाले, ठीक, तो हम यहाँ पे 12 से इंटू नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि उसे 2 महीने का बेसिक सैलरी मिला होगा जो कि कितना रहा होगा, 12,000, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12,000 और 12,000। डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपये हर महीने मिल रहा है, फिर अगेन वही डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपये हर महीने मिल रहा है इंटू टू, यानी 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कमीशन, अच्छा ये यहाँ नहीं लिखते, ये यहाँ तो हमें वो लिखनी है जिस पर हमें टैक्स भरना है, ये तो यूज करना है जहां पे आपको डीए का रिटायरमेंट, छोटी छोटी सैलरी जहां पे कैलकुलेशन के लिए यूज करना होता है इसको। तो ये 60% जो आपको डीए मिला है कितना, 8,000, उसका 60% आप वहां इस्तेमाल कर ले रहा। कमीशन आपको 1% मिला है, तो कमीशन, अब क्योंकि ये 12 महीने की सैलरी उस पर मिला है ना 12 लाख के हिसाब से, और 1% मिला है, तो
हम 2 महीने का निकाल लेते हैं, ठीक। हालांकि इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ये मेरे के मेरे को मैंने एक क्वेश्चन भी थोड़ा मिस्टेक बनाया, मुझे पता है, ये कमीशन वाला पोर्शन। इसे एक काम, यहाँ पे ना पहले तो 1% पर एनम होना चाहिए था, और इसने जो हमारी सेल करी है 12 लाख की, इसे सीधा 12 लाख पे एट ए टाइम, या तो आप इसे ऐसा कर लो, या तो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। हम मान लेते हैं कि जो 12 लाख टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ्स ना, देखो होता क्या है यार, इसको ऐसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर है इन द लास्ट 12 मंथ्स वाज 12 लाख, और उसका उसे 1% मिला, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इसको ऐसा ले लो, पूरा 1% लो इसका पहले, तो 1% सालाना जो आपको एक बार में मिला है, कितना आएगा ये, 12 लाख का 1% कितना आएगा, 12,000 आ रहा है ना, तो 12,000 आ रहा है, इसको डिवाइड कर दो 12 से एन इनटू टू, 2 मंथ्स का आपने क्या निकाल लिया कमीशन, जितना आपने काम किया उतने महीने का आपने कमीशन निकाल लिया, ठीक। क्योंकि इसके लिए जो फिक्स कर रखा था कि भाई आपको 1% टर्नओवर का मिला करेगा, तो आपने तो 2 ही महीने काम किया वहां पर, तो 2 महीने की जो कमीशन आपको मिली होगी वो 12 लाख का 1% पहले पूरे साल का निकल गया, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने, और 2 से इंटू करेंगे तो आपका 2 महीने का निकल आएगा, तो आपने जितना काम किया उतने महीने का आपको जो कमीशन मिला वो 2 महीने का। अच्छा, कमीशन जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के अंदर आता है और फुली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आपको बोनस मिला है, और बोनस है 20,000 पर एनम। अच्छा, बोनस को यार 2 महीने का मत निकालना, बोनस तो आपको ना मान एट अ वन टाइम मिलता है, मान लो कंपनी हर अप्रैल को साल की शुरुआत में बोनस बांटती होगी, तो वो आपको एक बार में मिल गया, वो उसके लिए आप ऐसा मत समझना कि वो आपको डिवाइड बाय 12 करोगे फिर 2 महीने का बोनस निकालोगे, ये एट ए टाइम, एक वंस अपॉन अ टाइम में मिलता है बोनस मंथ किसी भी साल में, तो आपको जो 20,000 मिला है उसको पूरा टैक्सेबल आप ऐसे कर लो, इसमें आप ऐसे पार्टीशन करने की कोशिश ना करना। मान लो कंपनी की परंपरा है कि वो जैसी साल शुरू होता है अप्रैल में, हर अप्रैल में वो आपको क्या देती है, बोनस देती है, तो बस आपको मिल गया बोनस, आपने 2 महीने तो काम कर ही दिया था और अप्रैल में भी काम करा था, तो आपको बोनस मिल गया, तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा पूरे पे, ठीक। अब इसके बाद आपको मिला है ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी कितना मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ग्रेचुटी मिला है 12 लाख रुपए। अब देखो यार, वैसे तो मुझे 12 लाख यहाँ लिखना चाहिए और फिर मुझे यहाँ एग्जम्पशन लेनी चाहिए, लेकिन मुझे 3 बार करना है, और 3 बार के लिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, वर्किंग नोट में चला जाता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, तीनों के लिए मैं यहाँ नहीं प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा, तो मैं वर्किंग नोट में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं इन तीनों को, जो ग्रेच्युटी आ जाएगा उसको टोटल करूंगा, तो मेरे पास निकल कर आएगा ग्रॉस सैलरी एंड लेस वही 3 डिडक्शन जो आपको मैंने सिखाई थी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिडक्शन नहीं लिखा मैंने, 16-1 है, 16-2 एंड 16-3, तीनों डिडक्शन घटाने के बाद आपके पास निकल आएगा टैक्सेबल सैलरी, नेट सैलरी, या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ग्रेचुटी के लिए हमें जाना है वर्किंग नोट पे, नीचे चलते हैं वर्किंग नोट पे, यहां डाल देते हैं वर्किंग नोट यहां पे, ठीक, हेडिंग लगा लेना आप ग्रेचुटी, ठीक। अब वर्किंग नोट भी थोड़ी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि जिससे काम आसान हो जाए। देखो 3 केस थे आपके, केस नंबर ए यहां ले लेता हूं, बी यहां ले लेता हूं, केस नंबर सी यहां ले लेता हूं, ठीक। ग्रेचुटी आपको रिसीव्ड कितना हुआ, उसमें से लेस कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्टेड होगा वो हम यहां से घटा लेंगे, पहले वाले से, दूसरे वाले से और तीसरे वाले से, तो हमें जो है टैक्सेबल वाली ग्रेचुटी निकल कर आ जाएगी, और इसको हम ऊपर लिख देंगे। यही तो काम करना था भाई, जो काम मुझे यहाँ पे एक एक अकेले के लिए करना था, जितना मिला उसमें से माफी, तो पहले ए वाले के लिए जितना मिला रिसीव्ड माफी, रिसीव्ड माफी, रिसीव्ड माफी, अब मिला कितना है, तो मिला तो 12 लाख, ये सबको पता है 12 लाख मिला है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, ठीक। अब पहले ढूंढते हैं यार ये वाला केस कौन सा है, ठीक है, ये वाला जो है केस कौन सा है, तो इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट मतलब है कि वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है, मतलब वो एक्ट वहां पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है।
जरा पीछे एक बार चल के देखते हैं हमारा कानून, वो प्रोविजन क्या था। तो हमारा प्रोविजन पहले हमें ये चेक करना है कि रिटायरमेंट पे मिला है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन में रिटायरमेंट हुआ है नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है? तो क्वेश्चन ही बताएगा ना, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। अच्छा क्वेश्चन में ना बोला हुआ हो तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, तो आप नॉन गवर्नमेंट ही लेना, अपने आप गवर्नमेंट ना ले लेना जब तक वो वर्ड यूज ना करें, नॉन गवर्नमेंट। एक्ट इज एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले केस में कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और जो दूसरा केस होगा वो नॉन गवर्नमेंट का ही है दोबारा से, और वो है नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये पहला केस ये वाला है, दूसरा केस ये वाला है, और तीसरा केस ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रिटायरमेंट में तो मिला ही मिला है तीनों केस में, लेकिन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वहां पे तो बड़ा ईजी है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट पूरा माफ हो जाएगा। तो अब एक एक करके कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे को तीनों केस करने। अगर मैं तीसरे केस की बात करूँ, तीसरा केस पहले निपटा लें अगर हम, तो ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो मिला 12 लाख मिला, और 12 लाख का 12 लाख ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब डैश, मतलब ऊपर जो इसको ग्रेचुटी मिली है यहाँ पे आ जाएगा डैश। देखो कितना बोझ हल्का हो गया, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको इतनी चीज़ों पर टैक्स देना है, इस बड़ी वैल्यू पर टैक्स नहीं देना पड़ा, एक भी रुपये पर, टोटल करके इसकी टैक्स इनकम आ जाएगी जिस पर उसे टैक्स भरना होगा। लेकिन ये दोनों बेचारे नॉन गवर्नमेंट वाले थे, इनके ये फंस गए हैं। तो ये कौन सा केस है? पहला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय, यार ये बुक में आप लोगों के पास होनी चाहिए तब जाके मुझको बार बार दिखाना पड़ रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय। तो मैं ना इसके लिए तीन लिमिट बना लेता हूँ, जो तीन लिमिट नीचे बताई थी, लिमिट नंबर 1, लिमिट नंबर 2, लिमिट नंबर 3। तो पहले लिमिट कितना एक्चुअल में मिला? 12 लाख, दूसरा 20 लाख, याद आ रहा है, और तीसरा वो फॉर्मूला 15 अपॉन में क्या था? 26। बनाऊ जरा उसे, बताओ क्या था वो? 15 अपॉन में 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड इंटू कितने साल उसने काम किया। तो कितने साल काम किया है? 26 साल 8 महीने काम किया उसने, और हमें ये फ्रैक्शन इसमें कंसीडर करना होता है, यानी उसने 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, ये 27 साल काम किया। अब बस मुझे पता करना है लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है। लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी का मतलब था वहां पे बेसिक प्लस डीए, लास्ट वाले महीने का। तो आपने हालांकि 2 महीने काम किया, लेकिन आपको लास्ट वाले महीने का सैलरी पत उठाना है यहाँ पे, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट महीने का बेसिक, लास्ट महीने का डीए। तो बेसिक पर मंथ 6,000 था, देखो मिला तो आपको 6,000 × 2 यानी 12,000 है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना लेना है? एक महीने का लेना है ना, कन्फ्यूज मत हो ना। 6,000 + DA कितना मिल रहा था आपको? लास्ट वाले महीने में भी 4,000 मिला होगा, और डीए पूरा लेना है आपको, रिटायरमेंट पार्ट नहीं लेना, 4। तो टोटल आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी हो गई 10,000। इसको रखो यहाँ पे और जरा कैलकुलेटर घुमाओ और बताओ कितना ये वैल्यू आ रही है। 10,000 × 15 / 26 × 27 ये आ रहा आपका करीबन करीबन 155 70 से राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये जो है ना लास्ट में से 69 को 70 बना दिया। वैसे तो राउंड ऑफ हो नहीं जाता, लेकिन चले 1 रुपये में कर सकते हैं ऐसा, तो ताकि वैल्यू ठीक आ जाए। अब मुझे बता दो इनमें से वैल्यू छोटी कौन सी आ रही है, विच एवरेज छोटी वैल्यू, ये आ रही छोटी वैल्यू, बस इतनी ही आपको क्या मिल जाएगी वहां पे, एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो 1,55,777 इतने रुपए की माफी है, 12 लाख आपके अकाउंट में आए होंगे जिसमें से इतने पर टैक्स नहीं देना, बाकी बचे हुए पर टैक्स देना है। अच्छा ये मैंने सही करा, एक बार चेक कर लें, 6,000 था, 4,000 था, ठीक है बिल्कुल सही, 10,000 आया, और 10,000 मैंने सही करा है ना, 10,000 × 15 × 27 / 26 1,55,770 सही है, बिल्कुल सही है। तो कितना बच रहा है? 12 लाख माइनस 1,55,770 ये आ रहा है 442 इतना, ठीक है। टैक्स पढ़ाना थोड़ा टेढ़ी खीर है यार सही में। अब पता है अभी मैं आपको ये असेसमेंट ईयर 1920 का बता रहा हूँ, मान लो सपोज दैट अगले बार कुछ चेंजेस हो गया तो फिर मुझे अलग से दोबारा वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, कोई बात नहीं वो अलग चीज़ है, अभी हमें सीखना है फिलहाल। तो इस बंदे को इसके अकाउंट में 12 लाख रुपए आए, लेकिन इसे टैक्स कितने पे भरना है? करीबन करीबन 10-10.5 लाख रुपए पर। इसकी यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, ये 10,44,230 रुपये। अब ऐसे इसका भी निकालते हैं टैक्सेबल वैल्यू, 12 लाख मिला, कितनी माफ़ी हो जाएगी? इसके लिए भी तीन लिमिट्स बना लेते हैं, 1, 2, 3। तो पहली तो 12 लाख एज इट इज, और दूसरी 10 लाख थी, और यहाँ पे आएगा
फॉर्मूले से 15 अपॉन में 30 इंटू लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, और कितने साल काम किए कंप्लीटेड ईयर बताने आपको, ठीक है। हाँ यार मैंने ना एक गलती गलती नहीं बोलूंगा उसे, वो वर्ड मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, वहां पे मिस्टेक वो वर्ड में मिस्टेक जो है ये वर्ड में हो गई। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ईयर नहीं कंप्लीटेड ईयर था, मैं थोड़ा दिमाग में मैं सोच रहा था क्या वर्ड था। आप हो सके तो अगर कट लगा के कंप्लीटेड ईयर कर लो, ठीक है कंप्लीटेड ईयर, और यहाँ पे भी क्या कर दो कंप्लीटेड ईयर, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन कंसिडर करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन इग्नोर करना है, चलेगा कॉन्टिन्यूस ईयर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कंप्लीटेड ईयर आना चाहिए था वहाँ पे। आ जाओ, तो हम यहाँ कर रहे थे लास्ट 10 मंथ का एवरेज लेना है एन इन टू कंप्लीटेड ईयर, और कंप्लीटेड ईयर में फ्रैक्शन आपको नहीं लेना। तो कितने साल काम किया भाई साहब ने, 26 साल 8 महीने को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं सीधे 26 साल। अब क्योंकि सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 6,000 पर मंथ ही थी इसकी सैलरी, तो मतलब पहले भी 6,000 पर मंथ ही रही होगी पिछले 10 महीने। अगर ये बोल देता कि भैया ये अभी 5-6 महीने बाद ही पहले जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इससे पहले कुछ और बेसिक था इसका, तो ऐसे ही क्वेश्चन में बोल सकता था, वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला जिसमें इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। आप अगर होमवर्क में चाहते हो कि यार ऐसे क्वेश्चन को भी मुझे देखना है, तो ये है वो एग्जाम्पल 14, जिसमें इसकी सैलरी ना 2,500 रुपये एवरी 1 जनवरी को जो है ही गेट्स एन इंक्रीमेंट इन हिज बेसिक सैलरी अमाउंटिंग टू 2,500 रुपये हर साल इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है फर्क पड़ेगा ये निकालते वक्त, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालते वक्त। अभी क्योंकि चेंज नहीं है, तो अभी मुझे जो सैलरी लेनी है वो मैं 1 महीने की लूंगा, और उसी से उसी को ही क्या मान लूंगा, एवरेज मान लूंगा 10 मंथ का। मैंने आपको समझाया था क्यों 1 महीने का निकालने का क्या पर्पज है यहाँ पे, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है सैलरी में पिछले 10 महीने से, तो आप 1 महीने का सैलरी निकालो और उसी को ही क्या मान लो 10 मंथ का एवरेज, क्योंकि वही आएगा ना, सारे वेरिएबल सेम है। यार आप लोगों को फिर से देखो इधर भाई, अगर आपको 30 30 30 पांच भाइयों को, पांच भाई हो आप और सबको इतना इतना पॉकेट मनी मिलता है, तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा? पहले आप सबको जोड़ोगे, फिर आप 5 से डिवाइड मारोगे, तो करके देखो 30 ही आएगा एवरेज। तो जब आपको पिछले 10 महीने की सैलरी सेम है, तो आपका 10 महीने का एवरेज कितना आएगा? वही आएगा एक जो एक एक, एक पर्सन का था, या जो एक टाइम का था, या जो 1 महीने का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 महीने का बेसिक प्लस 1 महीने का डीए का रिटायरमेंट। अब डीए तो 1 महीने का 4,000 था, लेकिन 60% यानी 6 4 से 24 2,400 रुपये डीए, एंड प्लस कमीशन जो है वो भी मैं 1 महीने का ही लूंगा। अब देखो ऊपर से थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ, मैंने ऊपर देख लिया था ना, ये जो 2,000 2 महीने का आया था, तो 1 महीने का 1,000 होगा कमीशन, यहाँ मैं 1,000 कमीशन भी ले लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरी सैलरी कितनी आ रही है, 6,002,800 9,9400, ये 1 महीने की सैलरी है मेरी। और अगर मैं इसे मान लो 10 से इंटू कर दूं, मान लो थोड़ी देर, तो ये मेरी 10 महीने की सैलरी बन जाएगी, और फिर एवरेज के लिए 10 से डिवाइड करूंगा तो कट कुट के वही 94 ही तो आएगा। तो आप 94 ही कर लो सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे करके इससे काम चला लेंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9,400 इंटू 15 अपॉन में 30 इंटू 26, तो ये आ रहा है आपका 1,22,222,000। इस बंदे को माफी ज्यादा मिली या इस बंदे को, इस वाले को ज्यादा मिली, क्योंकि ये इस कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता था वो क्या थी, एक्ट एप्लीकेबल वाली थी, तो इसको कम मिली है, इसको तो पूरी माफी मिल गई गवर्नमेंट वाले को, है ना। यहाँ पे विच आवर इज लोअर, ये लोअर है, 1,22,200 की माफी है, ऊपर लिख देते हैं 1,22,200 की माफी है। तो कितने पे टैक्स भरेगा ये? 12 लाख इसे मिला, पूरे पे टैक्स नहीं है, थोड़ा माफ मिला है, थोड़ी माफी मिली है, थोड़ी माफी मिली है, तो भरेगा टैक्स कितने पे? कितने पे ये टैक्स भर रहा है? 10,44,000 पे ये टैक्स भर रहा है, 10,70,000, इसे थोड़े ज्यादा पे टैक्स देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं, 1,077,800 हो गया हमारा ये क्वेश्चन, बस खत्म, अब इसे टोटल ही तो करना है, समझ रहे हो। तो ग्रेचुटी कैसे निकाला? अच्छा वैसे हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने मांगा था कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी, मैंने बताया था आपको ये 12 लाख है रिसीव्ड ग्रेचुटी, ये जो निकल कर आई है ये है एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी, और ये जो आ रहा है ये टैक्सेबल ग्रेचुटी है। वैसे तो उसने हमसे यही मांगा था, लेकिन मैंने आपसे पूरा क्वेश्चन करवा दिया, आपको सिर्फ ये चीज वर्किंग नोट में जो है ना, ये असली में यही मांगा था उसने, ऊपर वाला तो मैंने जानबूझ के बनाया और इसको वर्किंग नोट में दे दिया, एक्चुअली मैं आपको 3 कॉलम बनाकर उसको तीनों को यही यही सिर्फ यही दिखाना था, समझ रहे हो। तब आपको फिर
ये चीज ध्यान रखनी थी, लेकिन मैंने आपसे पूरा तरीके से क्वेश्चन करवाया आपको, तो टोटल बता दो फिर, टोटल भी कर लेते हैं क्यों छोड़ें क्वेश्चन को। 12,000 प्लस 8 तो 10,000, एंड प्लस ये कितना है 20,000, ये 20,000 है जी, 20 है ये भाई 20, ठीक है। उसके बाद 10,44,230, तो ये आ रहा है आपका टोटल 108,6,230, एंड ये वाली डिडक्शन सबको मिलती है 40,000 रुपये की, ये मिलेगी नहीं कुछ भी है नहीं, टोटल ले आना अपने आप से। इसको भी कर लेते हैं टोटल, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ वही 12 और 8 20, और 20 2 22, मैंने यार ये सही जोड़ा है क्या, मुझे तो बड़ा नहीं डाउट सा लग रहा है। अब डाउट क्यों लग रहा है, नहीं सही जोड़ा है मैंने, अब मैं उसको भी जोड़ लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका यार आपका 12 8 20 40 42,000, 11,19,800, और यार आपका 42,000। ओ बच गए, देखो लास्ट वाले में 40,000 की रिडक्शन मिल सकती है, अगर थोड़ा कम आ रहा होता तो फिर नहीं मिलती, समझ रहे हो। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये टैक्स भरेगा ये, इसमें से भी 40,000 की डिडक्शन ले लेना, और ये कितनी वैल्यू आ रही देख लेना अपने आप से, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो मेरा तो मन है कि मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन करवाऊं, ये वाला भी 13, बताओ करवाऊं नहीं करवाऊं, बताओ भाई। मेरा तो मन है कि मैं एक, कोई बात नहीं है वीडियो बन गई, लेकिन टॉपिक भी तो था जेन्युइन, तो एग्जांपल 13 और कर लेते हैं फटाफट से, और फिर इससे हमारे को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हो, ये ऐसे क्वेश्चन था, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा, ठीक है। ये इसकी वर्किंग नोट थी नीचे, ऐसे करके डन। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर आपका 13। तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हम पहले से आराम से पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मिस्टर आर हैं कोई, और उन्होंने ज्वाइन किया कंपनी को, किस तारीख को ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है मतलब ओहो तो बहुत पुरानी डेट दे दी इन्होंने, ज्वाइन किया। एंड ही रिटायर फ्रॉम हिज सर्विस, ये अपने प्रीवियस ईयर 18-19 इनका प्रीवियस ईयर होता है, नवंबर में ये पहली तारीख को निकल पड़े। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ था कि कितने साल काम किया, लेकिन यहां पर आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा कि इन्होंने कितने साल यहाँ पे काम किया, ठीक है, कितने साल काम किए कैलकुलेट करना होगा, इस डेट से इस डेट तक कितने महीने बन रहे हैं, कितने साल बन रहे हैं। एंड रिसीव्ड 11,20,000 ग्रेचुटी इनको मिला है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के टाइम पर इनकी बेसिक सैलरी चल रही थी वो 70,000 रुपये प्रति महीने चल रही थी, और डियरनेस अलाउंस 35,000 रुपये हर महीने चलता था, जिसमें से 60% पार्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब बेस, वो जो हम रिटायरमेंट के लिए यूज करते हैं ना सैलरी, वहाँ उसके लिए इस्तेमाल होना है, और कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे तो इन्होंने मांगा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स एंड अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी, मतलब कितना ग्रेचुटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा और कितना अमाउंट ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल होगा। जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने देखो वो क्या मांग रहा है यार, इसको ऐसे देखो, यानी वो आपसे क्या चीजें मांग रहा है कि कितनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट होगी मतलब वो रेड वाली वैल्यू, और कितनी टैक्सेबल होगी जो ग्रॉस सैलरी में जाएगी ऐड होने के लिए, ये वाली वैल्यू, ये ऐसे मांग रहा है वो। तो हम ठीक है, मैंने लेकिन मैं आपसे पूरा क्वेश्चन टैक्सेबल सैलरी निकलवाने की कोशिश करूंगा, फॉर्मेट का हमें अब नहीं छोड़ना, आदत बनानी अच्छी रहती है फॉर्मेट बनाने की। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें मिली है हमें, एक तो बेसिक सैलरी है, डीए मिल रहा है, और ग्रेचुटी मिल रहा है, बस इतनी चीजें मिल रही हैं। बेसिक सैलरी जो है 70,000 रुपये हर महीने मिल रहा है, तो 70,000 इंटू कितना करूं कोई बताएगा, है कोई यहां पे, देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है जो कि कौन सा है 18-19 प्रीवियस ईयर है हमारा, जिसमें हमने कमाई करी होगी, लेकिन ये नवंबर में तो चला गया ना, तो इसने अप्रैल से कितने महीने काम करा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर मत गिनो, नवंबर की तो ये पहली तारीख को ही चला गया, 7 महीने काम करा है, गिन के देखो अपनी उंगलियों में 7 महीने काम किया इसने, अप्रैल से 1 नवंबर को ही निकल लिया ना, तो 7 महीने काम होंगे, 7 7 जा इतना मिला इसे अपने प्रीवियस ईयर में बेसिक सैलरी जिस पे टैक्स भरेगा। डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है इसे, 35,000 रुपये हर महीने, तो जो भी पर मंथ वाली चीजें हैं वो 7 महीने ही मिली होंगी, कितना आएगा ये
तो 35,000 × 7 होता है आपका 245। ठीक, ग्रेचुटी कितना मिला इसे? 11,20,000। 11,20,000। देखते हैं कौन सा केस है, माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, कहता है एज्यूम ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इससे काम नहीं चलेगा, वो पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट लगता है एप्लीकेबल है, बस इतना बोला होगा। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, काम हमें पूरा तरीके से करना होगा। ये था हमारा। तो मुझे बता दो कि ग्रेचुटी इसे रिटायरमेंट पे मिला है या फिर ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे मिला है या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पे। क्वेश्चन में साफ बोला हुआ था ना रिटायरमेंट पे, रिटायरमेंट हुआ है। यहाँ है गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट, कुछ नहीं बोला हुआ तो मान लेंगे नॉन गवर्नमेंट है। एक्ट एप्लीकेबल है नॉट एप्लीकेबल है, इसके लिए तो लिखा हुआ है, वहां बोला हुआ है कि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब एप्लीकेबल है। अच्छा सपोज दैट लिखा ही नहीं होता कि एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो क्या करेंगे? नहीं पता हमें, नॉट एप्लीकेबल। गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। एप्लीकेबल है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। आप लिख लो यहाँ पे, जैसे एरो बना दो, एज्यूम नॉन गवर्नमेंट इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, एज्यूम एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक, ऐसी चीजें लिख लो। करते हैं क्या, वो वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा इसके लिए, तो एग्जम्पशन जो निकलेगी वर्किंग नोट के थ्रू निकलेगी। यहाँ लगा लेते हैं वर्किंग नोट, हेडिंग लगा लो ग्रेचुटी फटाफट से। तीन लिमिट, 1, 2 एंड 3। पहले जितनी एक्चुअल में मिला 11,20,000, दूसरा फिक्स था 20,00,000, तीसरे में 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कितने साल काम किया। अब कैलकुलेट करवा दो, ठीक है, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करते हो, मान लो आप इस तारीख को, आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस तारीख तक कितने साल कितने महीने हो गए, कैसे बताओगे? देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1/10/2000 को आपने कंपनी ज्वाइन की और ये 2018 है ना, तो इसमें 1/10/2018 तक पहले गिन लो और एक महीना और यहाँ से 1/11/2018 यहाँ से यहाँ तक, तो एक महीना हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने साल हो रहे हैं? 18 साल, 18 साल 1 महीने। अब क्योंकि हम एप्लीकेबल वाले में तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन 18 साल 1 महीना राउंड ऑफ थोड़ी ना होगा, राउंड ऑफ तो सब तब होता है जब वो 6 महीने या उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम 18 ईयर ही लेंगे। ठीक, यहाँ मैं 18 ईयर से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे सैलरी चाहिए लास्ट ड्रॉन, लास्ट ड्रॉन सैलरी, और उसमें चाहिए होता है कौन सा, बेसिक प्लस फुल डीए। तो लास्ट महीने का डीए, और महीने तो 70 चल रहा था तो लास्ट महीने का 70 ही था और डीए था 35,000, तो ये कितना हो जाएगा, 1,05,000। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 1,05,000 और इसको कर देते हैं टोटल, तो 1,05,000 इंटू 15 इंटू 18 डिवाइड बाय 26, तो ये बनेगा आपका करीबन करीबन, ये तो अच्छा खासा अमाउंट एग्जम्पशन का बन रहा है, 10,90,385 बना देते हैं इसे, 10,00,000। मतलब आपको 11,00,000, मोटा मोटी 11,00,000 में से 10,00,000 की माफ़ी मिल रही है, 10,90,385। यहाँ मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूँ, 10,90,385। तो कितने पर आप टैक्स भरोगे, कितनी ग्रेचुटी पर टैक्स भरोगे? तो 11,20,000 में से माइनस कर दो अपनी एग्जम्पशन, तो ये 29,615, तो टोटल आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी कितना आएगा फटाफट बता दो, 4,90,+2,45, ये आएगा आपका 7,64,615 और तीन डिडक्शन होती है, 16,2 एंड 16, मैं कुछ ज़्यादा ही तेज जा रहा हूँ क्या, 16,3। यहाँ तो 40,000 की रिडक्शन है, कुछ नहीं कुछ नहीं, टैक्सेबल आ जाएगा आपका, घटा लेना, मैं ही घटा देता हूँ, 7,24,615 क्या लिखोगे यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, तो मेन चीज़ तो हमारा ग्रेचुटी सीखना था, तो ग्रेचुटी की एग्जम्पशन कैसे मिलेगी वो आज की वीडियो में हमने सीखा। आशा करता हूँ समझ में आओगा, यार मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिनका सैलरी चैप्टर नहीं हुआ है, पूरी सीरीज देखेंगे उनको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। और घर में ही रहिए, लॉकडाउन अभी जारी है, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक, तो है ही जिंदाबाद।
कमेंट करो अपने सुझाव, फीडबैक, जो भी सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, कमेंट करो। तब तक के लिए आज बैटरी हो गई है मेरी लो, फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।